कर दिया। अभी हमको पता चला, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पेपर लीक कराने की साजिश चल रही है, पैसा वसूला जा रहा है स्टूडेंट से कि हम पेपर लीक कराएंगे, उपलब्ध करा देंगे, जिस एजेंसी को ठेका दिया गया है उसी एजेंसी से हमारा कंसल्ट है। तो हम लोग तो इसी यही सूचना देने आयोग को आए हैं। इसके बारे में क्या आपके पास साक्ष्य है कोई? साक्ष्य तो ये तो आयोग बताएगा ना, जिस कंपनी का। आपने अभी ब्लेम किया कि हाँ कि सूत्रों के अनुसार पता चला, तो इसके बारे में हमने कुछ एविडेंस का जिक्र कर दिया है कि ये विंसिस टेक्नोलॉजी करके कोई कंपनी है, उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा है कि उस कंपनी को क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी दी गई है। तो ये तो बीएसएससी बताएगी कि उसको दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर भारत। बीएसएससी परीक्षा 26 और 27 नवंबर को होने वाली है। इसमें लगभग 9 लाख परीक्षार्थी फॉर्म भरे हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम होने के पहले ही छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ सूत्री मांग को लेकर पहुँच चुके हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग। क्या है माजरा, चलिए हम बात करते हैं। बीएसएससी ऑफिस ही हमें आज नहीं, बाहर ही है। 26 और 27 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप सात सूत्री मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं। इसमें सात सूत्री मांगे मुख्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 26 27 को आयोजित तो होना है कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया और न ही उसके बारे में कोई सूचना दी गई। तो आयोग को तो एक नोटिस देना चाहिए कि एग्जाम वो ले रही है या नहीं, और ले रही तो एडमिट कार्ड कब जारी होगा। और दूसरी बात की पारदर्शिता इसमें आए, इसके लिए हम लोगों ने सात सूत्री डिमांड रखा है, जिसमें पहला डिमांड है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, इसके बाद आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाए, हर एक क्वेश्चन पे क्यूआर कोड हो जैसा कि 67वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा में था, और हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाए, और ओएमआर सीट जहां रखी जाएगी बाद में एग्जाम के बाद तो उस स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो, और उसमें स्मार्ट लॉक लगाया जाए। सेंटर जो है परीक्षा का वो गिरिह जिला में न दिया जाए और न ही बहुत दूर दिया जाए, बल्कि गिरिह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए, और सेंटर पे वीडियोग्राफी हो, जैमर लगाया जाए, और हर एक स्टूडेंट्स का अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। 2014 के वैकेंसी के माने तो जो इंटर स्तरीय बीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वो दो बार हुआ था, पहली बार भी धांधली हुई थी, दूसरी बार भी धांधली हुई थी, तो क्या लग रहा है इस बार भी धांधली होने की संभावना है? देखिए, संभावना तो है, तभी तो हम पहले से लड़ना शुरू कर दिया। अभी हमको पता चला, बहुत सारे लोगों ने बताया कि पेपर लीक कराने की साजिश चल रही है, पैसा वसूला जा रहा है स्टूडेंट से कि हम पेपर लीक कराएंगे, उपलब्ध करा देंगे, जिस एजेंसी को ठेका दिया गया है उसी एजेंसी से हमारा कंसल्ट है। तो हम लोग तो इसी यही सूचना देने आयोग को आए हैं। इसके बारे में क्या आपके पास साक्ष्य है कोई? साक्ष्य तो ये तो आयोग बताएगा ना, जिस कंपनी का। आपने अभी ब्लेम किया कि हाँ कि सूत्रों के अनुसार पता चला, तो इसके बारे में कुछ एविडेंस का जिक्र कर दिया है कि ये विंसिस टेक्नोलॉजी करके कोई कंपनी है, उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा है कि उस कंपनी को क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी दी गई है। तो ये तो बीएसएससी बताएगी कि उसको दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया है तो इसका मतलब वो लोग जो पैसा वसूल रहे हैं सही में वो सेटिंग करने वाले हैं, तब ये तो बीएसएससी बताएगी। हमने तो आगाह कर दिया है, इसमें सारा जिक्र हम कर दिए हैं, तो बीएसएससी इस पर निर्णय ले। अगर विंसिस टेक्नोलॉजी को दिया गया तो बीएसएससी उस पर ये कार्रवाई करे, या तो उसे एजेंसी से अपना वापस ले ले, या फिर उस पर निगरानी रखे कि किसी को क्वेश्चन न दे पाए। क्या लग रहा है आप, जो आप ज्ञापन सौंप रहे हैं इस पर अमल होने वाला है? अमल तो कुछ होगा ही, अगर नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि हमने बीपीएससी में किया था। जब परसेंटाइल लागू किया गया तो हम सड़क पर उतरे, पहले अनुनय विनय किए, पहले हाथ जोड़ के विनती किए कि आप वापस लीजिए, नहीं लिए तो हम सड़क पर उतरे। तो इसमें भी हम अभी विनती कर रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो सड़क पर उतरेंगे। आंदोलन होगा, निश्चित रूप से होगा आंदोलन, क्योंकि ये 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, और ये ऐसे लोग की नियुक्ति होगी जो कि सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। चलिए, हम सामने देख सकते हैं कि पीछे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस है, और अभी यहाँ पर दिलीप जी के जो भी बयान है, दिलीप जी साफ साफ कहना है कि हो सकता है कि इस बार भी धांधली हो, क्योंकि 2014 का वैकेंसी माने जो इंटर स्तरीय बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दो बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ा था। फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी धांधली हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, और फिर पुनः आयोग को दोबारा एग्ज़ाम लेना पड़ा था। तो इस बार क्या पारदर्शिता रहेगा, क्या इस बार धांधली नहीं हुआ, क्या ठीक से परीक्षा होगा, आगे हम अपडेट देंगे। फिलहाल खबर में इतना ही, अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।